हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज रीडिंग जो कर रहे हैं, टॉपिक मैं बता दूं सबसे पहले आपको। टॉपिक ये है कि क्या आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जिनके भी इसलिए सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ये ही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आपको दो ग्रुप्स है यहाँ पे, ग्रुप से सिलेक्शन करना है, ठीक है? और नाम का पहला अक्षर आपको देखना है उस पर्सन का, जिनके लिए भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके नाम का पहला अक्षर आपको देखना है, ठीक है? सो टॉपिक मैंने बता दिया, शुड यू वेट और मूव ऑन। तो मैं आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ। ये है ग्रुप नंबर वन, और ये है ग्रुप नंबर टू। देख लीजिए अच्छे से किस ग्रुप में आपके पार्टनर या उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर आता है। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर वन। चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर वन। देखते हैं कि क्या आपको उस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। Let's see. चलो let's see. ग्रुप नंबर वन के लिए प्लीज डिवाइन क्लियरली मैसेज दे, बताए क्या उनको उनके पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या ग्रुप नंबर वन को उनके पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज क्लियर मैसेज दे। ट्रुथ है यहाँ पे सबसे पहला कार्ड, नंबर 20। मेमोरीज ऑफ लव, नंबर 6। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, नंबर 3। टेम्पटेशन, नंबर 15। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्राउन चक्रा। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना बेहतर रहेगा। लेट्स सी। ट्रूथ की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज ट्रूथ हियर डिवाइन? प्लीज क्लियर मैसेज दे। ट्रूथ की एनर्जी क्यों है? आई वंडर व्हाट यू थिंक अबाउट मी नाउ। I treated you badly. I am so sorry. Okay. सबसे पहले तो अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी फील देखें तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को ना कहीं अपनी खुद की ही सच्चाई समझ आ चुकी है, ठीक है, कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, कितने बुरी तरीके से ट्रीट किया, आपसे कैसा बर्ताव रहा है उनका। ओके, कहीं ना कहीं वो सच्चाई को फेस कर रहे हैं। डिवाइन ही कहीं ना कहीं उनको सच्चाई से रूबरू करवा रही है ग्रुप नंबर वन, और उनको ये जताया, ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने आपसे कितना बुरा व्यवहार किया, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। तो कहीं ना कहीं ना इस वक्त आपके पर्सन को डर है कि पता नहीं अब आप उनके बारे में क्या सोचते हो, अब आप उनके बारे में क्या फील करते हो, क्या आप उनसे नफरत करने लग गए हो उनके बिहेवियर की वजह से, या प्यार करते हो अब भी, या उनका वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सो दे आर वेरी, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही डरी हुई लग रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चाई को फेस कर लिया है कि हाँ भाई, तूने बहुत बुरा व्यवहार किया, तूने बहुत गलत डिसीजंस लिए, तूने बहुत बुरा किया सामने वाले के साथ। तो उनको ताज्जुब नहीं होगा अगर उनसे अब हेट करने लग गए होंगे तो, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती। सबसे बड़ी बात तो ये है। मेमोरीज ऑफ लव क्यों है यहाँ पे? मैं लास्ट में बताऊंगी आपको एक वर्डिक्ट मेरा कि क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं। ओके, मेमोरीज ऑफ लव क्यों है? यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माय हार्ट। देखो क्या है ना कि इस पर्सन के दिल में, इनके मन में आपकी एक बहुत खास जगह है। ये बहुत याद करते हैं आपको अब भी, ठीक है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, नो कॉन्टैक्ट हो, या बहुत लंबे समय के हो चुका है ब्रेकअप हुए, अब भी इनके दिल में आप हो, अब भी आपकी यादें हैं इनके दिल में,
अभी भी आपको याद करते हैं, और जो यादें हैं वो बहुत स्पेशल यादें हैं, आपकी जगह बहुत खास है इनके दिल में, ठीक है। सो ये पर्सन, देखो क्या है ना कि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है फिलहाल, तो अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ, दे आर मैड इन लव विथ यू, ओके। और इनके इमोशंस बहुत प्योर है आपको लेकर, जो इनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो बहुत प्योर है, ठीक है। लेकिन ये आपकी खुशी चाहते हैं, इनका बस यही कहना है कि अगर तुम मेरे बिना खुश हो, या अगर हमारी सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पे तुम मुझे नहीं माफ़ कर सकते, या तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं ले सकते वापस, तो एटलीस्ट तुम खुश रहो, जहाँ हो वहाँ खुश रहो, मुझे भूल जाओ, भले ही मुझे भूल जाओ लेकिन खुश रहो, दैट इज़ व्हाट दे वांट, ठीक है। पता है मतलब ये पर्सन जितना प्यार करते हैं ना आपसे, मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई इसके बाद आपको इतना प्यार कर पाएगा, क्योंकि ये पर्सन इस हद तक आपसे प्यार करते हैं कि ये आपकी खुशी के लिए ये खुद को सैक्रिफाइस कर देंगे, क्योंकि प्यार करते हैं फिर भी सोचो ये आपको बोल रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ, भूल जाओ मुझे, क्योंकि देखो ये आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहते, ये आपको जबरदस्ती अपना नहीं बनाना चाहते, ओके। रीजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है? वाई इज रीजॉइस इन सेलिब्रेशन हियर? क्यों है रीजॉइस? ओके, आई हैड आई ऑन समवन एल्स एज वेल, बॉटम ऑफ द डेक में रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है लास्ट में, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को मतलब इतना पाक रिश्ता है आप दोनों का, लेकिन उन आपके पर्सन के नज़र में आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक बन गया क्यों? क्योंकि कोई और आ गया, और जब कोई थर्ड पर्सन आ जाता है ना रिलेशनशिप में, उस रिश्ते को टॉक्सिक मतलब, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि अगर सोचिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और कोई और आपके पार्टनर से कोई बेहतर आ गया, या एटलीस्ट वैसा आपको लग रहा है कि ये इंसान बेहतर है मेरे पार्टनर से, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यही बोलेंगे कि नहीं गाइस, नहीं दीदी, हम तो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए भी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप छोड़ दोगे, बट एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ कि जब कोई आपको ज़्यादा प्यार दे रहा है, ज़्यादा अटेंशन दे रहा है ना, तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली आने लगता है कि मेरा पर्सन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये तो सिरदर्दी है। मतलब कोई चीज़ जब आपको नहीं चाहिए होती है ना, तब आप उससे दूर जाने के 100 बहाने ढूंढने लगते हो, आपका दिमाग वो बहाने क्रिएट करने लग जाता है, ओके। तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में बुराइयाँ दिखने लगी क्योंकि कोई और आ गया पिक्चर में, ठीक है, ये किसी और के साथ मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और, इनकी नज़रें कहीं और, तो इनको आपका रिश्ता टॉक्सिक लगने लग गया, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोई और आ गया, कोई और उन्हें अटेंशन देने लग गया, उन वो किसी और के साथ वक्त बिताने लग गए, या उनको अटेंशन देने लग गए, उनको आपका रिश्ता अचानक से ही टॉक्सिक लगने लग गया। तो ये हुआ है यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप नंबर वन में, ठीक है। सो ये मान रहे हैं इस चीज को। टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों है? आई नो आई गॉट माई कर्मा एंड बॉटम ऑफ द डेक हैव मूव्ड ऑन। देखो क्या है ना कि इस पर्सन को जबरदस्ती अपने मन के खिलाफ जाकर आपको ये दिखाना पड़ रहा है कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मुझे भूल जाओ, तुम भी मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि वो आपके गुनहगार है, उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, और उनको कर्मा भी मिल चुका है, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, थर्ड पर्सन को लाने के लिए उनको उनका कर्मा मिल चुका है ऑलरेडी। तो वो अपने आप को बस आपसे दूर रखने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को सजा दे रहे हैं बेसिकली, वो अपने आप को पनिश कर रहे हैं दूर रह के आपसे। तो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके पार्टनर आपको आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, आपको पता है कि इंसान मुझसे प्यार करता है लेकिन ये क्यों कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंसान आखिर क्यों मुझसे दूर भाग रहा है, इतना प्यार है इसके दिल में मेरे लिए, ये क्यों भाग रहा है, तो यही रीजन है कि उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, वो अपने आप को गुनहगार मान चुका है, तो वो नहीं चाहता कि आप अपने आप को तकलीफ दो उन्हें एक्सेप्ट करके, क्योंकि जब कोई इंसान आपको स्पेशली चीट कर देता है ना रिश्ते में, उसके लिए ना आपके मन में एक कड़वाहट भर जाती है, ये नेचुरली होता है कि किसी कोई इंसान अगर आपको हर्ट करे तो उसके लिए मन में कड़वाहट, गुस्सा भरे, ये नेचुरली होता है, ठीक है। हम चाहे कितना ही प्रिटेंड करें कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट पड़ता है फर्क,
आपके पर्सन को पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से कि आप ऑलरेडी बहुत सह चुके हो, और आप एक ऐसा इंसान हो जो इतना प्यार करते हो उनसे कि आप उफ तक नहीं करोगे. ओके, सो इसीलिए वो अपने आप को जैसे तैसे रोक रहे हैं, आपसे दूर रख रहे हैं. ओके, रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, बट कह भी नहीं पा रहे, रादर कहना ही नहीं चाहते क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते. और ठीक है, क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्राउन चक्र ही. और ओके, आई डिडंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव, इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट. मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन ना अपने आप को मैनिपुलेट कर रहा है, ये अपने आप को ये जताने की या ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है, अपने मन में ये चीज़ बिठाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करते. लेकिन दिल तो दिमाग की नहीं सुनता, दिल में जो फीलिंग्स है वो है. ये पर्सन दिल में तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये अपने आप को इस तरह से अपने दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि भूल जाओ उसे, आगे बढ़ जाओ. ओके, ये आपकी बुराइयां अपने आप को गिनवा रहे हैं कि वो किस तरह से आप बुरे हो. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन कभी कभी ना क्या करते हैं, आपको आपसे बहुत अजनबी की तरह बात करने लगते हैं. ओके, या फिर बहुत रूड बातें कभी बोल देते हैं कि मैंने तो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, मैं तो तुम्हें तुम्हारे तरफ कभी अट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मुझे तो तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स ही नहीं थी. ये सब इनके टैक्टिक है, ये खुद को कहीं ना कहीं दिलासा दे देते हैं और आपको भ्रमित करते हैं, आपको इल्यूजन में कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, ताकि ये आपसे आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाए या आपको भुला दे. लेकिन दिल से तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना, दिमाग को आप मैनिपुलेट कर सकते हो लेकिन दिल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. दिल में जो फीलिंग्स है तो वो है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो है. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं. आई वंडर व्हाट यू थिंक अबाउट मी नाउ, इसको प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन. क्यों ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को कि पता नहीं इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इनके लिए क्या फील करते हो? ओके, यहाँ पे है एम्परर और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स. देखो क्या है ना कि अब आपने ना कहीं इस पर्सन के बिना जीना सीख लिया है, या फिर एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, आप स्टेबल बना चुके हो अपनी लाइफ को, एक एक आपकी लाइफ को आपने एक मकसद दे दिया है. ठीक है, या आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और जब ये रूप आपका आपके पर्सन देख रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी आप उनसे मूव ऑन हो चुके हो, आप उनसे नफरत करने लग गए हो, आप स्टोन हार्ट हो गए हो. ठीक है, और वो आपको कोई वो आपको आपके पर्सन ना आपको उसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहे. उनको पता है मैंने गलती करी, उसकी ही सज़ा मुझे मिल रही है, कि आज सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर वो एकदम पत्थर दिल बन गया है. मतलब आप, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पत्थर दिल बन गए हो. ओके, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं दे नॉट, वो आपके इस रूप को देखकर खुश नहीं है. वो आप मतलब उनको आदत थी ना आपका प्यारा, इनोसेंट, केयरिंग, लविंग, फॉरगिविंग, जो आपका रूप देखने की आदत पड़ गई है कि आप हमेशा माफ कर देते हो, बड़े दिल के हो ना. बट अब जब वो आप ऐसे हो गए हो, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, तो इस पर्सन को वो सहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा ऐसे भी नहीं कह सकते, लेकिन उनको तकलीफ हो रही है बेसिकली आपका बदला हुआ रूप देखकर. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी. ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों ऐसा कह रहे हैं. आई नो एग्जैक्टली क्यों ऐसा कह रहे हैं. ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. यस, मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये पर्सन जानबूझ के आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जानबूझ के आपसे दूर भाग रहे हैं, जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, जानबूझ के सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाओ. क्यों पता है? नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, सॉरी बहुत इंग्लिश बोल दी, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, इसलिए क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत हर्ट किया है. ओके, इनको पता आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े दिल के हो. आप प्यार करते हो तो आप टूट के करते हो, आप विश्वास करते हो तो टूट के करते हो, आप एक हीलर हो. उनको सबसे जब ज़्यादा ज़रूरत थी आपने उनको हील किया, आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनको सही राह दिखाई अपने लाइफ में, और उन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा दिया है, तो इसीलिए वो आपको बार बार अपने एक्शन से ये दिखा रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ, भूल जाओ मुझे.
ठीक है, लेकिन दिल में क्या है उनके, आपकी यादें हैं, आपका प्यार है। आई हैड एन आई ऑन समवन एल्स एज वेल, इसको प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ आपको, आपके होते हुए ना इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ओके, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या कहीं और से उनको फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, कहीं और उन्हें चीज़ें आसान लग रही थी, कहीं और से उन्हें पैसा मिल रहा था, या सिक्योरिटी मिल रही थी, या कुछ तो मिल रहा था उनको कहीं और से, कहीं और से कुछ ऑफर आया था इनको, ठीक है, और इनकी नज़रें आपके होते हुए कहीं और थी। ओके, और इनको लगा कि चलो यार एक नई शुरुआत करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, तो ये फिसले हैं ट्रैक से। ओके, और ये मान भी रहे हैं अब उस चीज़ को कि ठीक है मैंने गलती बहुत बड़ी करी, मैंने गुनाह कर दिया कि तुम्हारे होते हुए मैंने कहीं और, मेरा कहीं और ध्यान गया, या मुझे किसी और के लिए कुछ फील हुआ। सो दैट इज़ द थिंग, बस आई नो आई गॉट माई कर्मा। क्या कर्मा मिला इस पर्सन को, क्या कर्मा मिला है इस पर्सन को, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। डेथ एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ बहुत कुछ हुआ है, हो सकता है इनका कोई करीबी इनको छोड़ के चला गया, कोई रिश्ते टूट गए, कुछ जॉब थी वो चली गई, बिजनेस चल रहा था वो ठप हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए इस पर्सन के लाइफ में। क्यों हुआ पता है, सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे अच्छे इंसान को दुख देने का ये एक नतीजा था, आपको हर्ट करने का नतीजा था। ओके, यही इनका कर्मा था। इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, इनकी पीस चली गई, मतलब सुकून चला गया इनका। ओके, अब ये हीलिंग प्रोसेस में है, आपके पार्टनर अब हीलिंग प्रोसेस में है, लोग इनके खिलाफ हो गए। ओके, मतलब सब कुछ गवा दिया इस पर्सन ने। आई डिडंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव, ऐसा क्यों कह रहे हैं। इनकी हेल्थ भी खराब रहती है, आई थिंक सो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है। एक टाइम ऐसा भी आया होगा जहाँ पे ये पर्सन लिटरली ऊपर जाने के कगार पे थे, ठीक है, या इनके आसपास जिनसे ये प्यार करते हैं ऐसा कोई, उनकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। देखो हमें ना सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम जिससे प्यार करते हैं उसे तकलीफ में देख के हमें ज़्यादा दुख होता है, कंपेयर टू हमें अगर वो चीज़ वो दुख सहना पड़े हमें उतना तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर हम जिससे प्यार करते हैं उसको तकलीफ हो तो हमें बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। लवर्स एंड अगेन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको। देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन शुरुआत से ही आपसे प्यार करते हैं, ये बस आपको झूठ बोलते थे कि मुझे तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे, मुझे तुम पसंद नहीं आए थे शुरुआत में, या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, ये सरासर झूठ था। शुरुआत से ही आपसे प्यार ही किया है इस इंसान ने। अब क्या हो रहा है ना, अब कहीं ना, और ये पर्सन पता है ऐसा क्यों करते थे, मैंने बोला ना एक डर कि आगे जाके कुछ होगा नहीं, या तो आप उनको छोड़ दोगे या उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, ये एक डर उनके अंदर पहले से ही रहा है, जिसके वजह से वो आपको ओपनली अपना प्यार कभी शो ही नहीं कर पाए और अभी तक नहीं शो कर पा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ है आपको हर्ट करने का डर। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। अब सोचिए कि आप शादीशुदा हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी मैरिड लाइफ में, और ऐसा होते हुए भी कोई इंसान आपके प्यार में पड़ जाए, ठीक है, फिर आप भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में भी पैदा हो जाए उनके लिए, फिर आपका रिलेशनशिप उनके साथ शुरू हो जाए, और सोचो कि वो पर्सन को गिल्ट होने लग जाए कि यार मैं किसी का घर बर्बाद कर रहा हूँ। पहले तो इंसान इमोशंस में बह जाता है, जो नहीं करना वो कर देता है, लेकिन जब होश आता है उसे लगता है यार ये बंदी तो शादीशुदा है, ये बंदा तो शादीशुदा है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे दूर हो जाना चाहिए, फिर वो क्या करता है, आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपसे झगड़ा करना शुरू कर देगा, आपको आपसे रूड बातें करना शुरू कर देगा, ताकि आपके मन में उनके लिए नफरत पैदा हो या गुस्सा हो आप और उनको छोड़ दो। यही एग्जैक्टली आपके पर्सन करते आए हैं इस रिश्ते में, मतलब आपकी खुशी के लिए कहीं ना कहीं, या आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इस इंसान ने खुद को विलन बना दिया आपकी नज़रों में, बुरा बना लिया खुद को, ठीक है। तो अब वही उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही है चीज़ें। ओके, यस, इस पर्सन को लेकिन मुझे लगता है
छोड़ देने का या रिश्ता खो देने का, आपको खो देने का डर हमेशा से था। चलो अब मैं वर्डिक्ट अगर दूँ आपको, ग्रुप नंबर वन, कि क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। पूरी रीडिंग पे बेस के बेसिस पे मैं ये डिसीजन आपको दे रही हूँ। येस, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, इनको आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप इनको मैनिफेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हो। सबसे आसान तरीका होता है विजुअलाइज करो, अपने दिमाग से सारी नेगेटिव थॉट्स को हटा दो, विश्वास करो कि आएंगे ये पर्सन, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कोई रिचुअल्स करा के, क्रिस्टल्स पहन के। मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, आप मुझसे क्रिस्टल्स भी एक्टिवेट करवा सकते हो, आप रिचुअल्स भी करा सकते हो, स्पेल जार बनवा के ले सकते हो, स्पेल ऑयल बना के ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं आपके रिश्ते को सुधारने के लिए, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन तो ऐसा मत सोचे कि मैनिफेस्ट करने से काम नहीं होगा। अगर आप मैनिफेस्ट भी करोगे बहुत अच्छे से, या विजुलाइज करोगे, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करके देखोगे, तो कोई ना कोई टेक्निक ज़रूर आपको हेल्प करेगी, ठीक है। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे टेक्निक्स डाले, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। सो या ग्रुप नंबर वन, दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बहुत बुरा लगता है यार, आप वीडियो तो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते, शेयर तो नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। तो लाइक क्या करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इतनी बड़ी वीडियो अगर मैं बना रही हूँ आपके लिए, इतना टाइम दे रही हूँ, इतनी एनर्जी दे रही हूँ, तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज दीजिए। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय ग्रुप नंबर वन। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से आपको ये पता चल जाएगा, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है या मूव ऑन कर लेना है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, लेट्स सी क्या आपको इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए वेट करना है या फिर मूव ऑन करना ही बेहतर होगा। जो सच है वही बताऊंगी गाइस, तो अगर आप सच नहीं सुन सकते तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स सी के क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन या नहीं। मैं आपको अंत में बताऊंगी वेट करना चाहिए या नहीं, पहले हम रीडिंग शुरू करते हैं। पूरी रीडिंग देखिएगा गाइस, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लव बिगिंस, ओके। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं इस डेक से। लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज ट्रांसफॉर्मेशन हियर, क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे। गाइज आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज लाइक कर दिया करो, ओके। लेट्स सी, आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई स्टिल केयर फॉर यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई डिडंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव, ओके। ग्रुप नंबर टू, जहाँ तक के मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है ना, इनकी फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप हो रही है आपके लिए, और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुरुआत में ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके बारे में, या कह सकते हो जितना उम्मीद आप रख रहे हो उतना सीरियस नहीं थे, जितना आप सोच रहे हो उतने सीरियस नहीं थे, उतना पसंद नहीं करते थे आपको। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इनका प्यार बढ़ता गया है, इनकी फीलिंग स्ट्रांग होती गई है आपके लिए, और अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन काफ़ी मैच्योरिटी आई है इनके अंदर, ओके। मैच्योरिटी आने का ये मतलब नहीं है कि अब उन्होंने आपसे प्यार करना बंद कर दिया है, नहीं, प्यार तब भी करते थे, प्यार अब भी करते हैं। डिफरेंसेस अब ये दिखा नहीं रहे आपको प्यार, क्योंकि उनकी नजरों में उनको ऐसा लगता है कि अब चीजें वैसी नहीं रही, अब वो कंफर्ट नहीं रहा, अब उनके अंदर वो अंदर से ही नहीं आ रहा है कि देखो वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं अभी भी, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने चुन लिया है कि आपको शो नहीं करना है, प्यार करते रहना है, फिक्र करती रहनी है, लेकिन आपको दिखाना नहीं है, ठीक
ठीक है, बट इनको रिग्रेट बहुत है क्योंकि इनको बहुत याद आती है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको बहुत प्यारी लगती है, आपका साथ बहुत प्यारा लगता है, इवन आपसे दो दो बातें भी कर लेंगे ना, इनको बहुत सुकून महसूस होता था। ठीक है, सो अगर मुझसे पूछो तो मुझे यही दिख रहा है कि ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, वाइज ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस योर। मैं एक बात बोलूँ गाइज आपको आगे बढ़ने से पहले, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है आप में से कोई ऑलरेडी मैरिड है, या कोई डिवोर्सी है, या फिर ऐसा हो सकता है उम्र में बहुत डिफरेंस है, या फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है, सोच में बहुत डिफरेंस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, जिसके वजह से रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब ये आपके दिमाग में ये सवाल है कि दी क्या इस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर है पॉसिबल, तो यस, इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस क्यों है यहाँ पे, वाइज ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस योर। इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई वंडर व्हाट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। देखो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मैं आपको एक बात बोलूं, आपके पर्सन बहुत डीपली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके जो जेस्चर्स होते हैं या जो एक्शंस होते हैं उससे ये आपको दिखाते नहीं है कि कितना डीपली ये आपसे प्यार करते हैं। इनके एक्शंस ऐसे होते हैं ना जिससे आपके मन में शक पैदा होता है कि क्या ये इंसान सिर्फ इस चीज़ के लिए मेरे साथ है। ओके, मतलब इनकी बातें और इनका रवैया या इनका बिहेवियर जो होता है वो ऐसा होता है कि आपको बार बार इनके 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 ऊपर शक होता है कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है, क्योंकि दिख तो नहीं रहा वो, मतलब आपको एक सीरियसनेस नहीं नजर आती इनके फीलिंग्स में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, ये इंसान बहुत सीरियस है आप पे, ये बहुत प्यार करता है आपसे और बहुत फिक्र भी करता है आपके, और जो इंसान आपकी फिक्र करता है ना उसके प्यार पे आपको कभी शक नहीं करना चाहिए। हाँ, इनका तरीका थोड़ा ऐसा है ना कि आप कुछ आपके मन में शक पैदा होना लाजमी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेक कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, और रैदर उन्होंने खुद चूज़ किया एक्सप्रेस नहीं करना है। ठीक है, अब उसका रीज़न धीरे धीरे पता चलेगा, मैंने एक रीज़न तो बता दिया आपको शुरुआत में। देखो अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या आपने ही इनको छोड़ दिया है, उसके बाद से इनके लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आ रही है, या काफ़ी सारी दिक्कतें थी उस वजह से छोड़ना पड़ा इस पर्सन को। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, करियर इश्यूज हो सकते हैं, अभी तक तो मुझे ये दो ही चीज़ें दिख रही है, या तो फैमिली की वजह से छोड़ा है इस पर्सन ने आपको, या फ्यूचर नहीं है इस वजह से छोड़ा है, या फिर करियर के वजह से छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है, और जब उन्होंने छोड़ दिया या जब वो आपसे दूर हो गए हैं तब भी उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें खास नहीं हो रही है, बहुत खराब चल रहा है सिचुएशन। ठीक है, बट इनको बहुत फ़र्क पड़ा है आपको छोड़कर भी, और अगर आपने इनको छोड़ा है तब भी इनको बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है, सो यस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स क्यों है यहाँ पे, वाइज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स योर। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आई वंडर व्हाट यू थिंक अबाउट मी नाउ। देखो क्या है ना कि आप दोनों का रिलेशनशिप से आपको भी बहुत उम्मीदें थी और इन्हें भी बहुत उम्मीदें थी, मे बी आप दोनों में शादी की बातें हुई थी, या इस पर्सन ने आपको सपने दिखाए कि मुझे शादी करनी है तुम्हारे साथ, या फैमिली चाहिए, घर होगा, ये होगा, वो सपने बहुत दिखाए गए हैं या देखे गए हैं यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन सपनों को भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि दे रियली वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, दे रियली वॉन्ट टू, मतलब इनको सच में चाहिए आपके साथ शादी करनी है, फैमिली बनानी है, वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, असल में देखते हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता एक टाइम पे बहुत अच्छा था, बहुत सॉलिड था, और उसका स्कोप था कि फ्यूचर में ये रिश्ता कुछ आगे, बहुत आगे जा सकता है। ओके, सो नहीं भुला पा रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं बार बार रह रहकर उनके दिल में एक ही सवाल उठ रहा है कि अब आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हो या क्या सोच रहे हो, क्या आप अभी उनसे प्यार करते हो, क्या आप अभी उनसे शादी करना चाहते हो, क्या आपकी फीलिंग्स अभी भी सेम है उनके लिए। तो बहुत सवाल है और उन्हें नहीं पता उन सवालों के जवाब। ओके,
फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को प्लीज क्लैरिफाई करें. आई वॉज इमेच्योर एट दैट टाइम एंड विथ टाइम लव एंड हेटरेड हैव फेडेड. ओके, मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन ने आपको ना प्रायोरिटी नहीं दी है टाइम पे. ओके, या तो ये आपसे उम्र में छोटे हैं, या फाइनेंशियली ये पास्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब नहीं था इनके पास, स्टेबिलिटी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी. तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जिसके वजह से इस पर्सन ने आपको उस वक्त चुना नहीं, या फिर आपके साथ रह नहीं पाए अच्छे से. बिकॉज ऑफ, मुझे मैंने बोला ना, ज़्यादातर मुझे करियर ही एक रीज़न दिख रहा है. ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन मतलब इन्होंने अपने करियर पे फोकस करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, या आपको नहीं चुना ओवर करियर. ओके, क्योंकि अब उन्हें ये लग रहा है, अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अभी अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं तुम्हें चुनूंगा. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन करियर पे ध्यान देना छोड़ देंगे. अभी भी मुझे नहीं लगता इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी है. और देखो, इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ठीक ना हो, उसका ध्यान कहीं नहीं लगता. वो किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाता. पैसे ठीक मिल रहे हैं ना लाइफ में, तो ही इंसान सच्ची मायनों में खुश रह पाता है. ठीक है, और जो ये बोलते हैं ना कि नहीं, पैसे उसे खुशी नहीं मिलती है, वो लोग, मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी लाइफ में कभी उतना पैसा कमाया होगा. तो सबको जॉब करनी चाहिए, सबको अपने करियर के लिए, करियर पे फोकस करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए करियर को, चाहे बंदी हो बंदा हो. ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो या अभी भी आपके पर्सन स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन अभी एक चीज़ बदली है कि अभी वो आपको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, या आपको छोड़ेंगे नहीं अपने करियर के लिए. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि ये नंब हो गए हैं. इनकी फीलिंग्स ना, जैसे बहुत फीलिंग्स होने के बाद इंसान की ना एक टाइम पे नंब हो जाता है वो इंसान. ओके, वैसे हो गए आपके पर्सन. ठीक है, बट प्यार करते हैं, डोंट वरी. लव बिगिंस की एनर्जी क्यों है, लव बिगिंस क्यों है यहाँ पे? वाइज लव बिगिंस योर डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे. आई विश वी कुड हैव मेड इट एंड वी वर टू डिफरेंट टू मेक. मैंने बोला ना, आप दोनों में कुछ बहुत डिफरेंट है. या तो एज गैप है बहुत बड़ा, कोई मैरिड है, कोई डिवोर्सी है, या कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, या कोई फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी थी पहले से ही, या कोई एक्स इशू है, करियर इशू है. बहुत अलग थे आप दोनों एक दूसरे से, इसीलिए ये रिश्ता नहीं चल पाया. लेकिन आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि उनको रिग्रेट हो रहा है कि यार क्यों हम रिश्ता नहीं निभा पाए, क्यों हम इस रिश्ते को अभी सक्सेसफुल नहीं कर पाए, यू नो, क्यों गिव अप कर दिया. ठीक है, हम दोनों अलग थे, वो मानते हैं कि आप दोनों बहुत अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप गिव अप कर दोगे रिश्ते पे. देयर इज ऑलवेज अ वे, राइट? जब आप किसी से प्यार करते हो ना, मेरा मानना है कि आप किसी भी हद तक चले जाते हो, आप किसी भी हद तक चले जाते हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. नो वन कैन यू नो स्टॉप यू इफ यू रियली लव समवन. I will not let you know that I still care for you. Please, ऐसे ये बताइए, ऐसे पर्सन आपके क्यों सोच रहे हैं कि प्यार करना है, फिकर करनी है, लेकिन बताना नहीं है, शो नहीं करना है, क्यों? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन थकी हुई एनर्जी में लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, जैसे हार्ट ब्रोकन है. ओके, सैड है. देखो, वो खुश नहीं है आपके बिना. ओके, बहुत हीलिंग, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस पर्सन की ज़िंदगी में, बहुत कुछ बदल रहा है. मैंने बोला ना, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं. ओके, सो ये पर्सन ना इस वक्त अपने आप को आपसे दूर इसलिए रख रहे हैं, मेजर रीज़न है, खुद को हील करना चाहते हैं. ओके, विक्टिम एनर्जी है कहीं ना कहीं, कि मेरा दिल भी टूटा है, मुझे भी थोड़ी स्पेस चाहिए, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ. ये एनर्जी आपके पर्सन की. ओके, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या इसीलिए वो आपको अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं. ओके, दे आर रेस्टिंग, दे आर रीजेन्यूएटिंग. इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी. प्लीज़ इसके बारे में और बताइए, क्या क्या है ये एनर्जी? थ्री ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ पेंटिकल्स है. ओके, देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए, बट आपने इनको रोका नहीं. या तो ऐसा हो सकता है ये आपके पास जाकर वापस आए थे, लेकिन आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये किसी और के साथ है. ओके, या आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे.
ठीक है, या तो आपने ही इनको छोड़ दिया किसी और के लिए, या किसी और सिचुएशन के लिए, या किसी थर्ड पार्टी के वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, या आपको ऐसा लगने लगा और आपने उनको छोड़ दिया। ठीक है, सो क्या हुआ ना कि क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया, जाने दिया, रोका नहीं, आपने उन पे भरोसा नहीं कर किया, या फिर उनके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं आपने अप्रिशिएट नहीं किया, अगर वो वापस आए थे आपके पास बात करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के, और आपने उनको नहीं एक्सेप्ट किया, तो वो चीज़ ना उनको बहुत डीपली हर्ट हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, हद से ज़्यादा हर्ट हो गई, उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए वो उस चीज़ को। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना, पास्ट का सोच सोच कर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही प्यारा इंसान खो दिया। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, आप एक ऐसे पर्सन थे ना कि आपको आपके जैसे इंसान को संजो के रखा जाता है, आपके साथ टाइम पास नहीं किया जाता, और या फिर आपको फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लिया जा सकता, योर समवन लाइक दैट। ठीक है, तो इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके जैसा प्यार उन्हें फिर नहीं मिल सकता। ओके, एंड दे आर रिग्रेटिंग इट, तो वो पास्ट को बुला नहीं पा रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है अब वो नहीं बुला पा रहे। ओके, आई वॉज इमेच्योर एट दैट टाइम, इसके बारे में बताइए। और ओके, एम्प्रेस और मैजिशियन, मैं आपको एक बात बोलूं, ये पर्सन बिल्कुल इमेच्योर नहीं थे। ये अगर आपको बोल मतलब इन्होंने अगर जताया भी है या ऐसा आपको दिखाया है कि मैं इमेच्योर हूँ, तुम तो समझदार हो, नहीं, ये भी मेच्योर ही थे। जो भी कर रहे थे होश हवास में कर रहे थे, आपको छोड़ा तो होश हवास में छोड़ा है, आपको इग्नोर किया है तो होश हवास में इग्नोर किया है। मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं थी इस पर्सन के अंदर, ना एज वाली कमी थी, ना मेच्योरिटी की कमी थी, ना फाइनेंशियली कुछ। मे बी इनके, देखो कुछ लोगों के ना कितना भी पैसा उनको मिले उनको कम पड़ता है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, और ये पर्सन हो सकता है ऐसे ही कुछ लोगों में हो कि जहाँ पे इनको कितना भी मिला है वो उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो वो आपकी गलती है क्या? तो ये पर्सन, और ये जानते भी थे कि आपको खो देना इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा, आपके कंपैरिजन नहीं हो सकती किसी के साथ, या किसी और उनके लाइफ की किसी प्रायोरिटीज़ के साथ आपकी कंपैरिजन नहीं हो सकती, फिर भी इन्होंने आपके साथ रिस्क लिया। और आपको रीज़न क्या दिया? मैं इमेच्योर था, मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे फैमिली की इशू थी, मेरे को डर लग रहा था, मैं स्टैंड नहीं ले पाता, ये वो, मतलब एक एक एम्प्रेस को आप फालतू रीजंस नहीं दे सकते। इट इज़ अ हिट और मिस, खो दिया तो खो दिया, और इन्होंने लिटरली आपको खो दिया है, और ये इमेच्योर नहीं थे, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आई विश, इन्होंने बस आपको मैनिपुलेट किया है, और ऐसे दिखाने की कोशिश करिए कि मेरे लाइफ में भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, प्लीज़ गो आउट ऑफ माई लाइफ। बट जबकि ये किसी, ये कर सकते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे, आपको प्यार दे सकते थे। ओके, आई विश वी कुड हैव मेड इट, इसके बारे में बताइए भाई। यस, ये रिश्ता एंड नहीं होता, ये रिश्ता एंड नहीं होता। इस पर्सन ने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते के साथ बहुत रिस्क लिया है, अपने सक्सेस के लिए, पैसों के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, या एक्स वाई जेड रीज़न के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को रून कर दिया, ख़राब कर दिया। ओके, और अब उनके अंदर वो एक खटास भर गई है इस चीज़ को लेकर, कड़वाहट भर गई है कि यार मेरे वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, मैंने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया। ओके, सो आपके पास में बहुत रिग्रेट में है ग्रुप नंबर टू। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ, येस और नो में बताऊँगी मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो येस, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ठीक है, स्कोप है चीज़ें ठीक होने का। सो या, क्योंकि प्यार है बेसिकली, जहाँ प्यार है ना वहाँ पे स्कोप है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, प्लीज़ कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं लाइक भले ही सबको नहीं कर पाती लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट्स, एंड प्लीज़ मुझे टॉपिक के आइडियाज़ दिया करो, आपको क्या देखना है, किस टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए वो मुझे बताया करो। क्या आप राशि वाइज रीडिंग देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे, जैसे मैं कुछ सालों पहले करती थी? हर राशि के लिए वीकली मंथली रीडिंग आपको चाहिए क्या, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए कर सकूँ, अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगी। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, स्टे ब्लेस्ड।